वेलकम बैक टू माय चैनल द रेखाज गैलरी। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा 2 डेज हो गया वीडियो नहीं पढ़ पाया, थोड़ा सा इस समय शादियों का सीजन चल रहा है तो थोड़ा सा बिजी है घर पे गेस्ट भी आने के लिए। और ये देखिए मेरी भतीजी का बर्थडे था ना, तो छोटा सा उसके लिए गिफ्ट ले लिया। और मेरी बहन जो बीच वाली है, जो पटना में रहती है, वो दिवाली पे आई थी तो जा रही थी, संडे चली गई, मंडे को चली गई वो आज। तो उसके जाने के पहले जब पिछली बार गई थी तो नहीं हम मिल पाए थे उससे, इनके पास टाइम नहीं था, हम लोग उससे मिलने ही नहीं जा पाए थे। तो ये हुआ कि थोड़ा प्लानिंग करें, रात का डिनर अरेंज किया गया सारे लोगों ने मिलके कि साथ में एक साथ रहेंगे। सुबह तो सब अपने अपने में वैसे ही बिज़ी हो जाते हैं तो कभी जल्दी मौका नहीं लग पाता है। तो उसको ले कर हम लोग सारे लोग आए थे, एक छोटा सा गेट टुगेदर प्लान किया हुआ था। और ये एक ढाबे में लेके आए थे, मैं तो यहाँ पर पहली बार आई थी, रमैया ढाबा था ये, चौबेपुर के पहले है शायद, मंदना के आसपास कहीं पे। तो मैं तो कभी आई नहीं थी, ये पहली बार मैं आई थी, लेकिन सच मानिए इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक तो सारी लोग पूरी विद फैमिली एक साथ, और हल्की सी ठंड, ऊपर से खुले में हम लोग बैठे हुए थे, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही थी। मैंने तो अपने सर पे भी ये देखिए कैप लगा रखी है अपने स्वेटर की। और ये देखिए सैलेड जिसके पास आया है वो सैलेड का ही बहुत बड़ा प्रेमी है, वो बहुत फ्रूट खाता है, उसको रोटी अच्छी नहीं लगती है, आप फ्रूट दे दीजिए वो फ्रूटी फ्रूट खाएगा। और वो रही मेरी क्यूट सी मिस्टी, और उसके पास मम्मी बैठी हुई है मेरी, और एक ये टेबल लगी हुई है, सारे साथ में ही लगा ली थी हम लोगों ने। और ये मेरी छोटी वाली बहन, इसके भी यूट्यूब पर वीडियो आते हैं द रुचिज़ ब्लॉग करके, आप लोग उस पर भी जाइएगा, बहुत अच्छे बनाती है, आप लोग भी देखिएगा जाके और लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा। और इसको देख लीजिए, इनको पानी पीना था, इतनी सर्दी में भी 2 ग्लास कम थे, इनको और चाहिए था, इसलिए मांग रही थी, बताओ इतनी सर्दी में इनको पानी चाहिए था बार बार। और ये देखिए, ये रहे मेरी बीच वाली बहन, उसके हस्बैंड, उसका बेटा, तीनों एक साथ बैठे हुए थे। तो खाना हम लोगों ने नॉर्मल ही खाया क्योंकि शाम को ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। तो दाल, राइस, रोटी और कढ़ाई पनीर ऑर्डर करी थी, और क्या किया था, चिली पनीर ऑर्डर करी थी। सबको अपनी अपनी पसंद से कुछ ना कुछ मंगाया गया। और सच मानिए जो तंदूरी रोटी थी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, गर्मा गर्म रोटी, ऊपर से ठंड और ऊपर से सारे लोगों का साथ, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ की खीर, ओ माई गॉड, मुझे तो लग रहा था मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन जब मैंने खाई वाओ, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी। प्लीज़ अगर आप लोग कानपुर से हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर रमैया ढाबा जाइए और विज़िट करिए, बहुत अच्छी खीर है वहाँ की। और पापड़ सबको, सबसे पहले स्टार्टर में पापड़ ही आ गया था, सैलेड और पापड़। और ये देखिए कितनी मिस्टी की मस्ती चल रही है, और पापड़ हम लोगों को, सब लोगों को बहुत पसंद है। तो खाना आने के पहले ही पापड़ हम लोगों ने पूरा फिनिश कर लिया था, सैलेड भी आधे से ज़्यादा फिनिश हो गया था, क्योंकि खाना खाने के कम 10-15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले सलाद को खाना चाहिए। तो बस वही हम लोगों ने सबने खाया पिया और इतना ज़्यादा इन्जॉय किया। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, वो फैमिली को अपना टाइम कम दे पाते हैं, प्राइवेट जॉब है तो ज़्यादातर वो लेट ही आते हैं, तो बस एक संडे मिलता है तो संडे में घर के इतने काम होते हैं तो फैमिली इन्जॉय जल्दी हो ही नहीं पाता है। तो पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं इतने सारे लोग मिल के साथ में कब इन्जॉय किया था, इतना अच्छा लग रहा था। ये देखिए मिस्टी के पास आए हम लोग, बारी बारी से लगता है ना, बच्चों के पास जाओ कुछ ना कुछ कहो, उनकी मीठी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। और इनको आरओ शर्मा को देखिए, ये तो हमेशा स्पाइडरमैन बने रहते हैं, छोटी वाली बेटी का, छोटी वाली बहन का बेटा है ये, वो अपना सिपर भी लेके आए थे स्पाइडरमैन वाला, उनको वही बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए यार, उनको सिद्ध को, तो ये मेरी रही क्यूट सी फैमिली, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और सभी को आई थिंक फैमिली के साथ में रहना जाना आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, और जब वो कभी कभी मिलती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब मेरी बीच वाली बहन चली गई है पटना, तो वो जल्दी नहीं आ पाती है, काफ़ी टाइम बाद आई थी तो ऐसा लग रहा था कितना टाइम उसके साथ स्पेंड करें, पर त्यौहार का टाइम था तो ज़्यादा नहीं हो पाया। ये देखिए कढ़ाई पनीर आ गई है और दाल आ गई, ये देखिए छोटी सी बाल्टी में दाल आई थी, इतनी सुंदर लगती है,
खाने से ज्यादा तो क्रॉकरी अच्छी लगती है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है देखने में। और ये रही तंदूरी रोटी। और सबने अपनी अपनी थाली बाहर जा मतलब बाहर का खाना होता ना, सबने टिश्यू से पोंछ पोंछ कर ही पहले अपनी थाली को साफ कर लिया था, जबकि साफ होती है लेकिन थोड़ा सा बाहर हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है। और ये देखिए फटाफट से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड लगा दिया था तो सारे लोग जल्दी जल्दी लगे हुए थे खाने में और बहुत मज़ा आया। ऊपर से थोड़ी ठंड थी और सारे लोगों की मस्ती अपनी अपनी चलती रही और खाना पीना हो गया। ये देखिए यहाँ बच्चों का मन ही नहीं लग रहा था, उनका पेट भर गया, उनको बस यहाँ पे दौड़ दौड़ कर खेलना था। पर आगे रोड थी और रोड के किनारे बच्चों को ज़्यादा छोड़ा नहीं जा सकता, तो पापा मेरे आ गए और जो छोटी वाली बहन के हस्बैंड हैं तो वो भी आ गए बच्चों को देखने के लिए। ये रहे मेरे हस्बैंड यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके साथ तो जल्दी आना जाना कहीं हो नहीं पाता है किसी का, तो सारे लोग और खुश थे कि चलो एक साथ सारे लोग आए तो सही। और ये देखिए बच्चों को दौड़ दौड़ के मस्ती करने में बड़ा मज़ा आता है। एक तो बच्चे भी कभी जल्दी मिल नहीं पाते हैं बाहर, अब पार्क वार्क सब बंद हो गए जाना आना, तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा एंजॉय करके। और होना चाहिए थोड़ा सा बच्चों के लिए भी टाइम और खुद के लिए भी टाइम मिलना चाहिए। खाना पीना तो रोज़ हम लोग खाते हैं पर एक साथ खाने की बात ही अलग होती है, उसी सिंपल से खाने की भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फीलिंग आ जाती है। बहुत अच्छा लगता है बच्चों को भी और हम लोगों को भी। तो आई होप सभी को थोड़ा सा टाइम निकाल कर एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहिए। लाइट है एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से फील बहुत अच्छा होता है और माइंड भी एकदम रिफ्रेश हो जाता है। ये देखिए चॉकलेटी बॉय की सफाई हो रही है, खा के इनको इतनी जल्दी नहीं खेलने की, इन्होंने अपना साफ ही नहीं किया। इनकी मम्मी लगी हुई है इनकी सफाई करने में। ये नहीं मेरी मम्मी, मेरी मम्मी ने नहीं कुछ भी खाया था, ये लोग गया भोज में गए थे मेरे मम्मी पापा, तो वहाँ से जब आए थे पहले ये लीजिए। ये देखिए आगे कुल्हड़ वाली चाय, आई होप सबको बहुत ज़्यादा पसंद होगी, लेकिन मुझे चाय बहुत कम पसंद है तो मैंने पी वन सिप करने सबके जिद में मैंने वन सिप पी ली थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन सारे लोगों ने पी चाय सबको जिसको जिसको पीनी थी। मेरी मम्मी पापा को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है टी, तो उन्होंने पी। और ये देखिए मेरे बेटे को भी, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है पर मुझे थोड़ी चाय कम पसंद है इसलिए मैंने नहीं पी थी। इन लोगों की एक दो सिप ले ली थी मैंने क्योंकि हिंदी वाली लस्सी और कॉफ़ी की चाय की बात ही अलग होती, बहुत ज़्यादा उसका सोंधापन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मेरे मेरे पापा रहे, आपसे पहले मिला चुकी हूँ, तो मेरे मम्मी पापा गया भोज में गए हुए थे तो वहाँ से खा पी के आए थे, तो वो जाना नहीं चाहते थे पर हमने कहा चलो खाने की ज़रूरत नहीं है पर साथ में तो चलो कम से कम अच्छा लगता है ना, सारे लोग साथ में, हम लोग चले जाते वो घर पे रह जाते तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, तो हम लोग सारे लोग गए साथ में। और ये मेरी फैमिली वीडियो थी, आपको आई होप बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ये मेरे घर के छोटे छोटे से किड्स रहे और ये देखिए सारे लोग ऐसे सत्यनारायण का प्रसाद बट रहा हो उस तरीके पापा से मांग रहे थे, नानू मुझे भी दे दो सौंप। सच मानिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीन फनी हो गया था। ये देखिए सबको सौंफ खानी थी सबको। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरी फैमिली आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए और आगे लाती रहूँगी। और कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर कि मेरी ये प्यारी सी फैमिली आपको कैसी लगी। चलिए मिलती हूँ आपसे फिर से एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में, और इस बार कोशिश करूँगी कि जल्दी